Subscribe to Adiyog Technical channel for getting latest technological updates with Baba Adiyog Prasad. Hello, what's up guys? Welcome back to the video. My name is Arush and I will be one of you to Adiyog Technical, and the product that I have today is right behind me. Sony का 55 इंच 4K टीवी है और जो भी लोग गेमिंग एंटरटेनमेंट और मतलब एक मूवी वगैरह का मूड रखते हो ना यार, तो ये टीवी आपकी वो सारी नीड्स पूरी कर देगी। और कैसे पूरी करेगी, क्योंकि इसका जो डिस्प्ले है वो तो है ही एकदम गजब, और साथ ही साथ इसके जो स्पीकर है ना, आहा, वो उसको सुन लोगे तब तो मज़ा आ जाएगा। मतलब अगर होम थिएटर नहीं भी लो तो भी एक तरीके से काम चल सकता है आप लोगों का। खैर बाकी चीज़ें, इसके जो फीचर्स हैं, क्या अच्छा लगता है मेरे को, क्या खराब है और व्यूइंग एंगल्स कैसे हैं, वो इस वीडियो में आप आगे देख सकते हो। So without wasting any further time of yours, let's move on to the video. तो गाइस यहाँ पे अगर हम ये टीवी की बात कर लें तो ये 55 इंच की टीवी है, मतलब डायगोनल में नापा जाता है टीवी का साइज़, तो उस तरीके से है। एंड दिस इज़ अ एंड्रॉयड टीवी, ना कि वो जो सैमसंग में आप लोगों को मिलती है टाइजन ओएस पे। तो ये फुली एंड्रॉयड टीवी है, जो भी अपडेट्स वगैरह आप लोगों को देखने को मिलेंगे वो इस टीवी में आप लोगों को सब कुछ देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ इसके अंदर आप लोगों को एक बहुत अच्छा फीचर मिलता है 16 GB इनबिल्ट मेमोरी का, जिसके वजह से आप गूगल प्ले स्टोर जैसी कोई भी वेबसाइट पर जाके यार मतलब कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे ये देख सकते हो आप लोग, मतलब ट्विच, फेसबुक, ESPN से लेके MX Z5, मतलब आपके घर में अगर अच्छा नेट है और आपके पास सबका सब्सक्रिप्शन है तो गाइस मतलब मज़ा अलग हो जाएगा यार। मतलब देख लो, तुम लोग खुद ही देखो, यहाँ पे मतलब स्पॉटिफाई वगैरह हर चीज़ आप लोग देखने मिल जाएगी। एंड इसके जो क्या कहते हैं ऑडियो है, उसके बारे में तो भाई सबसे पहले चलो मैं आप लोगों से बात कर लेता हूँ। तो लेट्स डू अ ऑडियो टेस्ट। आई विल गो टू यूट्यूब, मैं YouTube पे जाऊंगा, NCS का कोई भी एक ट्रैक प्ले करूंगा एंड यू गाइज कैन सी दी ऑडियो कैसा बजता है, क्योंकि वॉल्यूम इज 25। इट्स 50 एंड रूम बड़ा है मेरा, उसके बाद अच्छा लग रहा है। एंड आई गेस आप लोगों ने नोटिस कर लिया होगा यहाँ पे, जब बहुत ज़्यादा मतलब 80 वगैरह के आसपास आप जाते हो तो अगर बहुत ज़्यादा मिक्स ऑफ बीट्स हैं तो एक बार को स्पीकर थोड़ा सा बोल जाता है। बट यार कौन सुनता है अपने घर में 80 की आवाज़ पे। अब तुम लोगों को लगेगा कि मैं बेच रहा हूँ, बट नो, आई एम नॉट डूइंग दैट वर्क। 80 के ऊपर जब तुम जाओगे तो स्पीकर थोड़ा सा फटना शुरू कर जाते हैं, एम्पलीफिकेशन में दिक्कत आती है उसके। बट 80 से नीचे रखोगे ना तो जो एक एक बीट है ना, एक एक लिटरल बीट सब कुछ सुनाई देगी। और जब मूवी देखोगे यार उसमें तो हर चीज़ बढ़िया एकदम सिंक ऑडियो होती है, तो सही चलेगा, उसमें मज़ा आ जाएगा। डिस्प्ले की अगर मैं यहाँ पर अगर बात करूँ तो हर एक एप्लीकेशन जो आप खोलोगे, इवन इफ़ यू ओपन एंड नेटफ्लिक्स, इवन इफ़ यू ओपन हॉटस्टार, अगर नेटफ्लिक्स 4K सपोर्ट करता है तो टीवी ऑटोमेटिकली नेटफ्लिक्स ले लेता है वहाँ पे, और नेटफ्लिक्स ले लेने के बाद वो ऑटोमेटिक 4K पे चलाता है जितने हाईएस्ट फ्रेम रेट पे वो वीडियो अपलोड करी गई होती है। तो आप वो चेंज नहीं कर सकते कि किस तरीके से मैं 1080p पे देखना चाहता हूँ या 4K पे देखना चाहता हूँ। बट द थिंग इज़ ऑटोमेटिक टीवी रिकग्नाइज कर लेती है एंड टीवी ऑलवेज प्लेज एवरीथिंग एट 60 FPS। मतलब ये 60 FPS का डिस्प्ले है तो हर चीज़ ये 60 FPS पे प्ले करता है। इवन इफ़ यू प्ले एनीथिंग ऑन दिस टीवी, हर चीज़ गजब प्ले होने वाली है। तो मैं आप लोगों को एक दो सीन्स दिखाता हूँ किसी मूवीज़ के, तो लेट मी ओपन द मूवी एंड यू कैन सी हाउ स्मूथ द डिस्प्ले क्वालिटी इज। आई हैव आई जस्ट सीन ऑन माई स्क्रीन, और इनको लगाने का सिर्फ एक ही रीज़न है, प्लीज़ डोंट गिव मी अ कॉपीराइट स्ट्राइक। तो यहाँ पे इसको लगाने का एक ही रीज़न है, क्योंकि ये रेड कैमरा से एवरीथिंग शी रिकॉर्ड्स एंड एडिट्स ऑन अ वेरी ग्रेट लेवल, ठीक है, वे बेटर देन आई डू, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एक एक कलर जो इसके बैकग्राउंड में है और एक एक डिटेल, इवन दी थिंग्स ऑन हर आर्म एंड द वॉच का यहाँ तक के जो स्ट्रैप है ना वो तक के साफ साफ दिखाई दे रहा है यार। अब और क्या ले लोगे स्क्रीन के अंदर से। तो यू गाइज गेट एवरीथिंग प्रॉपरली डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, मतलब क्रिस्प क्लियर क्वालिटी है, शार्पनेस वगैरह की भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये वीडियो में आप लोग देख सकते हो एक एक कलर जो है वीडियो के खुल के निकल आ रहे हैं। और जब आप मूवी की कलर ग्रेडिंग से कंपेयर करो यार, मतलब वर्ल्ड वॉर Z वगैरह अगर आप जाके जब देखो, मज़ा आ जाएगा. यू गाइज कैन सी द एंटायर वीडियो ओवर हेयर एंड आप लोग जाके खुद इसके चैनल पे चेक कर लेना यार. एंड यू कैन सी एवरीथिंग इज सो क्रिस्प एंड क्लियर. और यहाँ पे अगर हम इसके कुछ फीचर्स के बारे में अब टीवी की बात कर लें तो टीवी में आपको मिलता है एंड्रॉयड. यू गैदर 16 GB ऑफ इंटरनल मेमोरी. उसके साथ आप लोगों को एंड्रॉयड का सपोर्ट मिलता है, तो जितने भी एंड्रॉयड अपडेट्स होंगे अगर टीवी सपोर्ट करेगा तो उस पर मिलेगा, नहीं आएगा तो सिक्योरिटी अपडेट्स वगैरह हो सकता है कि इसमें आप लोगों को देखने को मिल जाए. वहीं पे YouTube चलेगा, मतलब एंड्रॉयड पे जितनी भी एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हो सारी एप्लीकेशन टीवी पे अवेलेबल है. फन पार्ट इज़ कि इसके अंदर आप गेम्स भी खेल सकते हो, आप अपना PlayStation भी इसमें लगा सकते हो, आप अपना PC भी लगा सकते हो और टीवी के अंदर आप सारे गेम्स खेल सकते हो. PlayStation जिनके पास है उनको तो भाई मज़ा आ जानी है, टिश्यू पेपर चाहिए बस उन लोगों को. एंड गोइंग टू डिज्नी हॉटस्टार, बूट, एल्बम, वीडियो, सोनी लिव, हर चीज़ का सपोर्ट आप लोग देखने को मिल जाता है. इवन व्हेन यू गेट दिस रिमोट, अगर इस रिमोट के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं तो ये रिमोट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. इसके अंदर आप लोगों को एक एक चीज़ का बटन मिल जाता है. यू गेट अ सिंक मेन्यू, एक्शन मेन्यू, होम, टीवी, और टीवी भी जला सकते हो. अगर वो केबल कनेक्शन आपके यहाँ लगता है, अभी भी उन लोगों में से जिनका केबल कनेक्शन आता है, तो आप लोग वो भी लगा सकते हो. बाकी टाटा स्काई वगैरह हर चीज़ का सपोर्ट है. सो यू गाइस कैन रिलेट कि 3 USB पोर्ट और 3 HDMI पोर्ट के साथ आप इसमें क्या कुछ नहीं कर सकते हो. तो दिस मशीन इज़ द अल्टीमेट एंटरटेनमेंट मशीन फॉर यू. बात कर लेते हैं यहाँ पे इसकी प्राइसिंग के बारे में. तो गाइज इसकी जो प्राइसिंग दी हुई है, उसको देख के भाई मेरा मन कर गया सामने आगे बताने का. तो इसकी जो प्राइस है वो 85,000 मार्केट में मिलती है, और जब इसके डब्बे पे देखोगे ना तो डब्बे पे तो भाई 1,25,000 लिखी हुई है. तो 1,25,000 तो मैं तो नहीं मिली. दिस टीवी कॉस्टेड में 85,000. तो अगर आप लोग इतना प्रीमियम पे कर रहे हो तो इस टीवी के साथ जा सकते हो आप. इसके 2 मॉडल अवेलेबल हैं, एक 7500H से आता है और एक ये जो याला है 55X8000G जो मेरा वाला मॉडल है. दोनों टीवी में सिर्फ एक अंतर है, उसका स्पीकर थोड़ा सा इससे दबा हुआ है. और उसमें एक चीज़ का फ़र्क और है, उसमें 4K 60 नहीं चलता है, तो वो उस टीवी में दिक्कत है. बाकी जो है इस टीवी में और 7500 वाले में सेम है. सैमसंग के अगर इसके कॉम्पटेबल टीवी से अगर हम कंपेयर करें तो गाइज़ इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है ना, सैमसंग अभी भी आसपास नहीं लेके आ पाया है. तो यू गाइज़ गो टू दिस शोरूम, वहाँ पे आप इसको देख सकते हो, दोनों टीवीज़ को कंपेयर कर सकते हो. जितना मैं यहाँ पे बता पाया और बताया. अब थोड़ा सा इसके कॉन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, इस टीवी के अंदर कॉन क्या है. तो रुको तुम लोगों को दिखा देता हूँ मैं पहले वो टीवी के अंदर जो सबसे बड़ा कॉन मेरे को लगा, वो एज सच बहुत बड़ी बात लोगों के लिए नहीं होगी बट यार मुझे लगी, वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी. बिल्ड क्वालिटी में जो प्लास्टिक यूज़ किया गया है मुझे वो इतना अच्छा नहीं लगा. वो बहुत हार्ड प्लास्टिक नहीं है. और जो एक फिट एंड फिनिश मैं एक 85,000 के प्रीमियम प्राइस वाली टीवी से एक्सपेक्ट कर रहा था ना गाइस, वो इसमें देखने को नहीं मिली. और आप लोग भी जब इसको यूज़ करोगे, जब इसको इंस्टॉल अगर खुद से करते हो या फिर कभी कुछ चीज़ें लगाओगे, तो इसको जो पीछे की फिटिंग्स है वो सब एकदम दब सी जाती हैं. और मतलब इतना मज़ा नहीं आता, थोड़ा स्टर्डी लुक नहीं है. और मतलब दिखता बहुत सही है बट बिल्ड क्वालिटी के मामले में सो ही मेरे को ये लगी 85,000 वाली टीवी. और इसकी स्क्रीन पर भी अगर मैं यहाँ पे देखिए चेक इस तरीके से दबाता हूँ तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत आ ही जाता है. और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि प्लास्टिक में हल्का सा प्रेशर लगा रहा हूँ और ये दब रही है. तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने. और कॉन्फिडेंस की बात छोड़ दो, अगर आप इसको मतलब एक रूम से दूसरे रूम में भी शिफ्ट करो, खैर टीवी उतार के कोई डांडिया नहीं खेलेगा, बट स्टिल एक चीज़ होती है ना कि सॉलिड बिल्ड क्वालिटी की जो आदत है वो इस टीवी में अपने देखने को नहीं मिलती है. एंड जो इसके स्टैंड वगैरह भी आपको मिलते हैं वो टीवी को अच्छी खासी तरीके से अर्गोनॉमिक सपोर्ट दे देते हैं, तो वो भी अच्छी चीज़ है. टीवी में एक का एक देखा जाए तो वैल्यू फॉर मनी कह सकते हैं. अगर मतलब 4K 60 वगैरह हर चीज़ मिल रहा है यार, एक बार लो 10 साल तक की छुट्टी हो जाए तो ऐसी वाली टीवी इसको कह सकते हैं. बाकी 55 इंच है, इससे ऊपर आप लोगों की भी मॉडल अवेलेबल हैं बट फिर वो OLED वगैरह में चला जाता है. तो अगर आप उसको स्पेंड कर सकते हो तो यू कैन बाय दैट वन. अगर ये लेना है तो मेरे तरफ से टिक है, ले सकते हो. अच्छी टीवी है, मेरे पास है इसलिए नहीं कह रहा, मेरे पास नहीं भी होती तो भी, अगर मेरे पास बताना होता आपको तो भी मैं कहता कि यार ये टीवी अच्छी है. तो यू गाइस कैन गो फॉर दिस टीवी. एंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक का बटन दबा दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ऐसी वीडियोज़ में लाता रहता हूँ. एंड विद दैट आई वुड जस्ट लाइक टू रैप थिंग्स अप फॉर नाउ. और हाँ, शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स को जिनको इस टीवी के बारे में जानना है. सो विद दैट आई वुड जस्ट लाइक टू रैप थिंग्स अप फॉर नाउ. टिल वी मीट अगेन, टाटा, बाय बाय एंड सायोनारा.